आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा एवं सेवानिवृत्त हुए उप सहायक नियंत्रक राम अवध सिंह की विदाई और सिटी मजिस्ट्रेट अजीत सिंह के कार्यभार संभालने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह पर रविवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा डॉक्टर संजीव गुलाटी की अध्यक्षता में नगर स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर मजिस्ट्रेट अजीत सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। नगर मजिस्ट्रेट को नागरिक सुरक्षा के सभी सदस्यों ने अपना परिचय दिया। लखनऊ में नागरिक सुरक्षा द्वारा उमेश चंद श्रीवास्तव को सम्मानित किए जाने पर चीफ वार्डन ने अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात सेवानिवृत्त उप नियंत्रक राम अवध प्रसाद की विदाई की गई। सेवानिवृत्त उप नियंत्रक राम अवध सिंह सभी वार्डन के बहुत ही प्रिय भी थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने अपना परिचय दिया और नागरिक सुरक्षा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी, सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव, सेवानिवृत्त उप नियंत्रक राम अवध प्रसाद, सेवानिवृत्त उप नियंत्रक वाई पी चौबे, डिप्टी चीफ वार्डन प्रकाश पांडे, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव सहित अन्य सेक्टर के वार्डन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी और नगर मजिस्ट्रेट अजीत सिंह ने कहा, संतोष जी, सुरेश कुमार, चीफ साहब को तो लगाइए, वार्डन की जरूरत है, सभी की निगाहों के तारे पर उम्मीद है कि युवा हैं, बहुत ही उत्साह के साथ काम करेंगे और हमारे नागरिक सुरक्षा का इसी महोदय को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे नगर मजिस्ट्रेट साहब को बुके देकर उनका स्वागत करें। एडीसी महोदय के लिए हम दो लाइन का शेर जरूर कि सराहनीय भूमिका रही है, क्योंकि मैं अभी इस नगर में मैं भी नया हूँ, तो आप सबकी ड्यूटियां जो नहीं देखा है इस बार देखेंगे और कार्यालय स्तर पर ड्यूटियां लगाई जा रही है, तो नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशों के अनुपालन में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इसके बाद विदाई का भी कार्यक्रम होगा। जैसा कि महोदय के संज्ञान में मैं डालना चाहता हूं कि ये नागरिक सुरक्षा डिपार्टमेंट पूरी तरह से सरकारी संरक्षण प्राप्त संगठन है और ये नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 से संचालित है। ये इस नगर को एक इकाई माना गया है और इकाई को मानते हुए उस नगर का जो वार्डन सेवा का जो ऑफिसर कमांडिंग होगा वो चीफ वार्डन उसको कहा जाएगा और इस नगर को वर्तमान में अभी 2-2 लाख की आबादी पर 3 प्रखंडों का सृजन किया गया है और उस प्रखंडों का जो प्रभारी होगा उसको डिविजनल वार्डन बोला जाता है। फिर 20-20 हजार की आबादी पर वार्डन पोस्ट बनाया गया है, उसका जो प्रभारी होगा उसको पोस्ट वार्डन बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक 4 हजार की आबादी पर 2 सेक्टर वार्डन होंगे, उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, और एक पोस्ट में 5 सेक्टर होंगे 4-4 हजार की आबादी पर। इस तरीके से ये आप देखेंगे कि पूरा ये नागरिक सुरक्षा जो सेटअप है ये जनसंख्या बेस्ड है और हमारी पहुंच जो है गली गली तक हमारे ये वार्डन साथी हमारे काम करते हैं उस स्टेज में हम लोग जो है, और जब भी इन लोगों की जो नियुक्ति होती है पदोन्नति होती है वो सब नियुक्ति प्राधिकारी के जिलाधिकारी महोदय हैं उनके दिशा निर्देश पे ही आपकी नियुक्ति पदोन्नति की जाती है और आपकी ड्यूटियां भी लगाई जाती हैं और जब जगह रिक्त होती है तो आपके अनुशंसा भी आपके बताए अनुसार हम
सिविल डिफेंस के योग्य लोगों का चयन कर पाते हैं आपके माध्यम से। इसके साथ साथ सर बहुत सारे इन लोगों का अवार्ड का भी है, जैसे नागरिक सुरक्षा के लिए पदक 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिया जाता है। उसके साथ साथ अभी 2 साल पहले निदेशक नागरिक सुरक्षा को शशि पद जिनका बहुत हम स्वागत करते हैं, हमारे पूर्व जो नियंत्रक रहे हैं और मेरे लिए तो मेरे लिए ही नहीं बल्कि मैं राजेश चंद्र चौधरी डिप्टी डिविजनल वार्डन प्रखंड गोरखनाथ। रामकृष्ण मिश्र डिप्टी डिविजनल वार्डन नगर। संतोष कुमार अग्रवाल आईसीयू प्रभारी मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है, मैं बहुत गर्वान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आज आपके बीच मुझे कार्य करने का मौका मिल रहा है। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय अपने आप बारे में देना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने अपना पूर्ण परिचय दिया। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है, मैं 2012 PCS बैच का ऑफिसर हूँ। मेरी जो पूर्व की सेवाएं हैं जनपद मऊ, बुलंदशहर, एटा और ओखावा, और ये लगभग 5वां जनपद है आपका गोरखपुर। लगभग पिछले 6 वर्ष से मैं सेवारत हूँ। मैं आपके बगल के ही पलिया जनपद का रहने वाला हूँ, ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। अब चूंकि इस मीटिंग में हम लोग आए हैं तो मैं अभी सुना करता था नागरिक सुरक्षा के बारे में, कभी अंदर जाके और इस क्या है नागरिक सुरक्षा, कैसे नागरिक सुरक्षा का जो सिस्टम बना हुआ कैसे काम करता है, ये मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। शून्यता की स्थिति थी, बाहर से जानते थे कि हाँ जो हमारे सिविल के लोग हैं, सिविलियन लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो किसी सेवा में नहीं है, उनको द्वारा जो डिफेंस का काम किया जाता है, बस इतना ही मुझे पता था वो नागरिक सुरक्षा। लेकिन जो अभी 2-4 दिनों में जो मैंने समझा, जो इन्होंने मुझे बताया है, तो इतना व्यवस्थित, इतना सिस्टमेटिक, जिस तरीके से बिना किसी रिसोर्स के स्वेच्छा से, जैसे अभी आपके चीफ वार्डन साहब वॉलंटियर सब का इस्तेमाल कर रहे थे, जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो आप अपने लिए बजाएं। देखिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं भी अगर हमारी तैनाती होती है तो पहला उत्तरदायित्व हम लोगों को दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर, कि जहां आप रहोगे, जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, वहां जो पहली प्राथमिकता होगी शांति व्यवस्था किसी भी कीमत पर भंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी पब्लिक लोग हैं, जो भी उस पेरिफेरी में, उस समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, समाज में कई तरह के लोग होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ न्यूसेंस क्रिएटर भी होते हैं, तो हम लोग ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, साहब इनसे परिचय हो जाए कि कोई अगर जरूरत पड़े तो हम इनको फोन कर सकें कि मैं पहुंचूंगा आधे घंटे में, ये पहले ही पहुंच जाएंगे, सब मैनेज कर लेंगे, तो मेरी नौकरी बची रहेगी। क्योंकि अगर शांति व्यवस्था भंग होगी,
हमारी जवाबदेही फिक्स की जाएगी, तय की जाएगी, हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो हर आदमी आज के परिवेश में अगर सरकारी सेवा में, तो पहले वो सोचता है जैसे अभी आपको नियंत्रण की 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए, आज उनका सम्मान समारोह भी हो रहा है, आप कर रहे हैं, सोचता है कि मेरी जो 60 साल की सेवा है, जो एक विहित प्रक्रिया है, ये सब सर शांतिपूर्वक सम्पन्न हो जाए, तो उसके लिए तमाम वो चीज़ें करता है। लेकिन यहाँ तो मुझे पहले से इतना बड़ा सिस्टम, इतना एक सुव्यवस्थित सिस्टम, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको काम कर रहे हैं, अभी कल परसों की बात है, कोई सूरज कुंड में जानता भी नहीं था कहाँ है सूरज कुंड, वहाँ छोटा सा कोई धरना प्रदर्शन था, मुझे जानकारी नहीं थी, आप लोगों के किसी साथी ने फोन किया था, मुझे फोर्स पहुँच गई, नगर निगम के लोग पहुँच गए, क्या बोले पहुँच गए, कोई बात नहीं, अगर ये जानकारी नहीं मिलती तो छोटा सा जो धरना प्रदर्शन था उनका बड़ा रूप दे सकता था। तो ये सूचना का काम आप लोग करते हैं, आप लोग कानून आप लोग हाथ नहीं ले सकते, लेकिन जो आप एक कम्युनिकेशन जो बना के रखे हुए हैं प्रशासन और सिविलियन के बीच, आप उन्हीं के बीच से हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात मानते हैं, समाज में आप प्रबुद्ध लोग हैं, जो बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी हैं, हमारा भी हमारा सुरक्षा को की ओर से, क्योंकि कोर से ये नहीं जा रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी सरकारी ड्यूटी से जा रहे हैं। और भी जो लोग आना चाहे आज का कार्यक्रम हमारे पूर्व के जो उपनियंत्रक महोदय थे उनकी विदाई है, उनका 60 वर्ष पूरा होने पर सेवानिवृत्ति उनकी हुई है, उनकी विदाई का कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे नगर में नए उपनियंत्रक के रूप में हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो नए आए हैं शहर में, उनको हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हमारी उपनियंत्रक महोदय का कार्यभार सौंपा है, उनसे वार्डन्स का परिचय है और उनका स्वागत है। इसके अलावा हमारे एक वार्डन को ये DGCD अवार्ड मिला है, श्री उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, उनका भी हम यहाँ पे सम्मान करना चाहते हैं। आज ये कार्यक्रम था और आज ये सिविल डिफेंस गोरखपुर की आज मीटिंग भी बुलाई गई थी। इस मीटिंग का उद्देश्य था जो आगामी त्यौहार हैं मुहर्रम और गणेश चतुर्थी और जो भी आने वाले त्यौहार हैं उसके संबंध में चर्चा करना, और हमारे पूर्व जो उपनियंत्रक थे सिविल सुरक्षा के, नागरिक सुरक्षा के, उनका आज सम्मान समारोह विदाई समारोह भी था, और आज ये कार्यक्रम बड़े ठीक ठाक और अच्छे तरीके से इसको सम्पन्न कराया गया। और मुख्य बात ये थी जो आगामी त्यौहार हैं, जो भी हमारे नागरिक सुरक्षा के जो वॉलंटियर्स जो स्वेच्छा से इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देते हैं, उन्होंने अपनी कृत संकल्पता अर्जुन संकल्पता दोहराई कि हम लोग इस त्यौहार को अच्छे से निपटाएंगे और पूरे शिद्दत से पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।